नमस्कार, ibn9.live में आपका स्वागत है। मैं हूं रोशन कुमार। क्या आज देश में सच बोलना गुनाह हो गया है? क्या आज हमारे देश में पत्रकारिता करना गुनाह हो गया है? क्या आज हमारे देश में पत्रकारों को भी बोलने से पहले किसी धर्म विशेष की इजाज़त लेनी होगी? क्या आज हमारे देश का चौथा स्तंभ यानी पत्रकारिता इतनी कमज़ोर हो गई है कि अब उसे डर के साए में जीना होगा? ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आज ऐसा ही हो रहा है और ये सब एक खास वर्ग के साथ ही हो रहा है। आज अगर पत्रकार जिहाद का नाम लेता है तो इन लोगों को बुरा क्यों लगता है? जिहाद का नाम लेने पर ये इतने असहनशील क्यों हो जाते हैं? जिहाद के बारे में बात करने का अधिकार क्या सिर्फ मुसलमानों को ही है? क्या संविधान में लिखा है कि आप जिहाद पर बोल नहीं सकते? ये सारी बातें आज मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जी न्यूज़ के वरिष्ठ एंकर सुधीर चौधरी को जिहाद का विश्लेषण करने और खबर दिखाने पर केरल में उनके खिलाफ FIR दर्ज कराई गई है। ऐसा नहीं कि पहली बार हुआ है, 2018 में भी जी न्यूज़ ने जम्मू के कठुआ में एक बच्चे के साथ हुए बलात्कार की खबर का सच दिखाया जिससे एक बेगुनाह का जीवन बर्बाद होने से बच गया था। इस बार फिर जम्मू की खबर दिखाने पर सुधीर चौधरी के खिलाफ केरल में FIR दर्ज कराई गई है। जरा सोचिए, खबर जम्मू की, FIR केरल में। जमीन जिहाद पर बात करने से किसी मुसलमान की भावना कैसे आहत हो सकती है? लव जिहाद का सच कैसे किसी को चोट पहुंचा सकता है? कोई भी समझदार व्यक्ति कहेगा इन सारी बातों में कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन ये कहाँ मानने वाले। शाम होते ठेकेदारी करने TV चैनलों पर बैठ जाते हैं और बातें ऐसी करते हैं जैसे देश संविधान से नहीं इनसे चल रहा है। आज पूरे देश विदेश से भारतीय लोग पत्रकार के समर्थन में उतर आए हैं क्योंकि सभी को ये गलत लगता है। इस समय लंदन से DK त्यागी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वही आपको सच्चाई से रूबरू कराएंगे। DK त्यागी जी, सुधीर चौधरी ने अपने शो DNA में कुछ दिन पहले जिहाद का विश्लेषण किया था जिससे कुछ खास धर्म समुदाय के लोग जो है उनके पीछे पड़ गए हैं और उनके खिलाफ केरल में FIR दर्ज हो गई है। उनकी गिरफ्तारी किसी भी वक्त होने की संभावना है, आप इस विषय पर क्या कहना चाहेंगे? रोशन जी, ये बहुत ही, मैं थोड़ा सा एग्रेसिव हूँ इस मामले में, बहुत मैं थोड़ा गुस्सा रहा भी हूँ और इस मामले में मुझे जो है ये मैं देख भी रहा हूँ न्यूज चैनलों के माध्यम से कि FIR दर्ज हो रही है। सुधीर चौधरी जो हैं, जो हमारे सीनियर जी न्यूज के हैं, आप ये बताइए हिंदुस्तान के अंदर जब ये आसाराम को जेल में डाला गया, राम रहीम को जेल में डाला गया, ये जी न्यूज वाले सुधीर चौधरी थे जब इनके खिलाफ ये बोल रहे थे कि इनको, इन्होंने गलत काम किया, इनको जेल में डालो, और इनको आज वो जेल में सजा काट रहे हैं, ये जी न्यूज ने ही दिखाया था सबसे पहले हमें, और सुधीर चौधरी जी ने ही उनके बारे में जो सबसे ज्यादा आवाज उठाई थी। तो क्या ये जो मजहब के नाम पे और ये जो कर रहे हैं लोग, आज अगर सुधीर चौधरी जी बोल रहे हैं जो जमातियों ने किया है हिंदुस्तान के अंदर, जो इतने आंकड़े बढ़े हैं आज उनकी वजह से बढ़े हैं, ये हम यहाँ से कह रहे हैं लंदन की धरती से आपको। और आज हम NRI, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ, जितने भी NRI हैं यहाँ, कई मेयरों से मेरी बात हुई है, जो हमारा हिंदुस्तान के जो मेयर हैं, पॉलिटिशियन भी हैं, हम सब कंधे से कंधा मिला के हम सुधीर चौधरी जी के साथ हैं इसमें, गवर्नमेंट के साथ हैं। वो बहुत सही दिखा रहे हैं, बहुत सही बोल रहे हैं। अगर सच को सच बोलना क्या पाप है क्या, ये बताइए आप मुझे। वो सच बता रहे हैं, वो हम देख रहे हैं लोग कि हम दिल्ली के रहने वाले, हमने वहाँ देखा आंकड़े कितने बढ़ गए आज वहाँ पे। लेकिन कुछ पार्टियां हैं जो राजनीति कर रही है इस मामले में, उनको झूठा फंसाया जा रहा है, FIR कर रहे हैं। इन FIR से कुछ नहीं होता, भगवान उनके साथ है, हिंदुस्तान की जनता उनके साथ है, और बाहर से जितने भी NRI सब सुधीर चौधरी जी के साथ हैं। हम बहुत गुस्सा है यहाँ पे NRIओं में ये सब पढ़ के कि आज उनके खिलाफ FIR। अरे एक बार बताइए, अगर आप TV वाले नहीं दिखाएंगे हिंदुस्तान में क्या हो रहा हकीकत में, तो हमें यहाँ कैसे पता लगेगा, आप बताइए। तो ये जो आंकड़े बढ़े हैं ये जमातियों से बढ़े हैं। आज आप बताइए वो सजाद कहाँ है जो निजामुद्दीन वाला है, हमें पता नहीं लग रहा अभी वो कहाँ है, अरेस्ट हुआ है नहीं हुआ है, उसके खिलाफ FIR हुई है। अभी लोग वो TV पे देख रहे हैं कि उसका ये क्या है, क्यों नहीं उसको जेल में डाल रहे लोग। तो जब राम रहीम को डाल सकते हैं, आज आर्मी लगा सकते हैं उसके पीछे, और आसाराम को जेल में डाल दिया उसके गलत कदमों पे, तो ये जो सजाद है जो हम सुन रहे हैं निजामुद्दीन में तबलीगी का, ये इसको भी सजा होनी चाहिए और इसको आजीवन कारावास होना चाहिए। ये हम हिंदुस्तानी कहते हैं, यहाँ से जो NRI हैं वो बिल्कुल कह रहे हैं, और हम सब जो सुधीर चौधरी जी के साथ हैं बिल्कुल कंधे से कंधा मिला के, जितने मैं अकेला नहीं हूँ, मेरी कम से कम आप आवाज़ सुनना चाहते हो तो मैं कम से 100 लोगों की आपको आवाज़ सुनवा दूँगा, पूरा लंदन से जितना भी NRI है इंग्लैंड के अंदर सब सुधीर चौधरी के साथ है। नहीं अगर मैं नहीं, आसाराम का सबसे पहले जी न्यूज पे दिखाया था, ये सुधीर चौधरी ने बोले थे उनके खिलाफ, राम रहीम के खिलाफ खूब बोले थे। अगर आज ये तबलीगे की जमात के खिलाफ बोल रहे हैं और जो हिंदुस्तान में हो रहा है ये हमारी जनता की भलाई के लिए बोल रहे हैं, तो ये क्या गलत कर रहे हैं, ये बताइए आप। मैंने तो उनको ट्वीट किया है,
और यहाँ से काफ़ी लोग हैं, हमारे नॉर्वे से हैं, काफ़ी लोग हैं बीजेपी के, ओवरसीज के अध्यक्ष हैं, उन्होंने बोला है कि हम सब सुधीर चौधरी के लिए, हम ऐसा नहीं है, हम यहाँ पे भी हम हाई कमीशन को बोलेंगे, हम हाई कमीशन थ्रू भी गवर्नमेंट को बोलेंगे ताकि सुधीर चौधरी के फेवर में उनको ना दबाया जाओ, ये FIR वापस लेनी चाहिए और गवर्नमेंट को भी साथ देना चाहिए सुधीर चौधरी जी का, भारत सरकार को। जी जी सर, हिंदुस्तान में भी बहुत सारे वरिष्ठ पत्रकार हैं, जैसे सुधीर चौधरी पलवल से बिलोंग करते हैं, तो वहाँ के बहुत सारे पत्रकारों को, वरिष्ठ पत्रकारों का जो समूह रहा है, उन्होंने एक ज्ञापन भी बनाया है और राष्ट्रपति को उसको देने की तैयारी कर रहे हैं कि उनके ऊपर लगे FIR को जल्द से जल्द वापस लिया जाए। नहीं सर, बिल्कुल वापस होनी चाहिए FIR, और जिन्होंने FIR कराई है वो क्यों FIR कराई है उसकी भी इंक्वायरी बैठनी चाहिए। इस तरीके का नहीं, आप बताइए क्या इसमें झूठ क्या है, ये जिहाद का नाम चल नहीं रहा है, ये हिंदुस्तान में जो राजनीति होती है विदेशों में करके दिखाए ना ये लोग, ऐसे यहाँ ये पुलिस पर पत्थर फेंक के दिखाए, पुलिस पर थूक के दिखाए, नर्सों को कपड़े उतार के दिखाए, नर्सों के सामने इनका क्या हाल होता है यहाँ पे। एक हमारा देश है, क्यों हमारे देश में क्या है, कुछ पॉलिटिकल लीडर हैं जो इनको कंधे, इनको सांस देते हैं, कंधे से कंधा मिला के चलते हैं, वो वोट बैंक की राजनीति करते हैं, सिर्फ वोटों की राजनीति है। लेकिन इन इन मोमदन भाइयों को भी समझना चाहिए, मुसलमानों को भी समझना चाहिए जो अपने हैं, इनको भी हिंदुस्तान को समझना चाहिए कि ये जो तुमको भड़का रहे हैं, ये जो तुम्हारे साथ हैं, ये गलत कर रहे हैं। दुख हमें ये है कि ये अगर सच्चाई को दबाएंगे हिंदुस्तान में इस तरीके से, जो अगर कोई भी चैनल सच्चाई को दिखाएगा TV चैनल पर, आप भी दिखाओगे और दूसरी पार्टियां वाले उनको डराएंगे, धमकाएंगे, FIR का नाम लेकर उनको दबाने की कोशिश करेंगे, तो फिर तो हमारा देश का ये तो फिर हम ये तो बहुत नुकसान में जाएंगे हम लोग, फिर हमें सच्चाई का नहीं पता लगेगा कि देश में हकीकत क्या है। जी जी बिल्कुल, देश को देश का चौथा स्तंभ माना जाता है, जब चौथा स्तंभ भी खतरे में हो तो फिर हम सच्चाई कैसे लोगों तक पहुंचाएंगे। सर मैं कनाडा में रहता, कनाडा में ये कहते हैं आज हिंदुस्तान जो हमारा आगे जा रहा है, ये तो एक तो मोदी जी प्राइम मिनिस्टर जो मिले हिंदुस्तान को, पहले अटल बिहारी वाजपेयी मिले थे, उसके बाद मोदी जी मिले हैं, और ये विदेशों में एक चर्चा है, आम चर्चा है, एक तो मीडिया, एक हमारे सुप्रीम कोर्ट के जो डिसीजन आते हैं, ये बहुत बढ़िया डिसीजन आते हैं, इससे हमारा देश बहुत तरक्की कर रहा है। अब जो है जो अपराधी हैं उनको सजा मिल रही है, गलत काम करने वाले जेलों में हैं, और गवर्नमेंट के जो ये योजना है वो गरीबों के लिए योजना है ताकि हम ये देश गरीबी से ऊपर आए, और गरीबों का ध्यान रखा जा रहा है। नहीं, सुधीर चौधरी जी को हमने ट्वीट किया है यहाँ से, यहाँ के काफी लोगों ने उनको ट्वीट किया है, उनको मैसेज किया है, सारे NRI उनके साथ है आज, और हम भारत सरकार को, होम मिनिस्टर जी को बोलना चाहते हैं कि FIR को, इस FIR पे जो है जो कराई है इस पर थोड़ा सा बहुत बारीकी से इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, किसने कराई है, क्यों कराई है, इसके पीछे पॉलिटिकल हाथ है, ये सिर्फ एक पॉलिटिकल इशू है। सुधीर चौधरी जो दिखाया वो सत्य है, वो हर आदमी जानता है, हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा जानता है, हम भी जानते हैं कि जो हो रहा है वो दिखा रहे हैं। इस तरीके चैनल वालों को डरा के, धमका के, उनके पर प्रेशर बना के, ये कि वो सच्चाई को ना दिखाएं, कल हमें जो हो रहा है हिंदुस्तान ना दिखाएं, एक मजहब से डर जाए वो। ये बात सिर्फ DK त्यागी जी ही नहीं बोल रहे हैं, बीजेपी के ओवरसीज के कन्वेनर मोहन सिंह वर्मा भी नॉर्वे से पत्रकारों के खिलाफ हो रहे अन्याय के खिलाफ खड़े नजर आ रहे हैं। नमस्कार, मोहन सिंह वर्मा, नॉर्वे, प्रेसिडेंट ऑल इंडियन ऑर्गेनाइजेशन नॉर्वे। मैं आज सिर्फ आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ, बड़ा दुख हुआ है जब से मैंने ये सुना है सुधीर चौधरी जी के ऊपर केरला में FIR हुई है। कमाल है यार, ये कब सुधरेंगे, सुधरेंगे या नहीं सुधरेंगे, देश को आगे ले जाया जा रहा है और ये पीछे धकेलने के काम कर रहे हैं। ये कोई और नहीं है, ये जिहाद ही नहीं है खाली, ये हमारे अपने गद्दार लोग हैं। बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगा पर इतना ज़रूर बोलूँगा कि सुधीर जी आप अकेले नहीं हैं, आप जैसे और भी लोग, हमारे जैसे और भी लोग यहाँ पर धक्कर खा रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि वो ईमानदार थे। आप बिल्कुल ना फिक्र करें, हम आपके साथ हैं। लंदन के 2005 से 2006 में मेयर रह चुके दर्शन ग्रेवाल भी इस FIR के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। सुधीर चौधरी हमारे सीनियर GTV के
प्रेजेंटर जो है उनके खिलाफ एक एफआईआर की गई है, तो इसका हमें बहुत दुख हुआ है। मैं यूके में एक्स मेयर सीनियर बीजेपी लीडर हूँ, तो जैसे ही मेरे को पता चला, दिस इज शॉकिंग न्यूज फॉर ऑल द मेंबर ऑफ बीजेपी और बीजेपी इन यूके एंड स्कॉटलैंड वेल्स, तो सभी को बहुत शॉक लगा है। हम तो बिग एजुटेशन शुरू कर देंगे इसके ऊपर कि ये हमारे सुधीर जी के ऊपर कोई एक्शन हुआ। केरला गवर्नमेंट को चाहिए कि दे शुड टेक दैट एफआईआर बैक इमीडिएटली। एंड ये बड़े दुख की बात है कि हमारे सीनियर जो प्रेजेंटर हैं उनके खिलाफ ऐसा डेमोक्रेसी के अंदर एक्शन लिया जाए जिसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा डेमोक्रेसी के ऊपर, और दैट शुड बी टेकन एक्शन टेकन बी बैक इमीडिएटली। और हम आपके साथ हैं और पूरा यूके आपके साथ है। यहाँ मैं आपको बता दूं कि सारे बयान शुक्रवार के रात ibn9.live के पास आ चुके थे, लेकिन कुछ तकनीकी खराबी की वजह से हम कल आपको ये नहीं दिखा पाए। अब सारे NRI समुदाय, खासकर DK त्यागी जी और दर्शन गिरवाल जी ने कहा है कि अगर गिरफ्तारी होती है तो यूरोप में एक दिन का धरना प्रदर्शन करेंगे, और लगातार भारत सरकार से अपील कर रहे हैं कि पत्रकारों को बचा लो सरकार। मैं दर्शन गिरवाल, यूके लंदन, तो एक्स मेयर ऑफ हांस्लो लंदन एंड चेयरमैन ऑफ रेशियल इक्वालिटी काउंसिल, आज साड़ी इतने इंडियन कम्युनिटी की मीटिंग हुई है। उस मीटिंग के अंदर ये फैसला लिया गया है, जो इंडिया के अंदर डेमोक्रेसी का काम किया जा रहा है, मीडिया के ऊपर अटैक किया जा रहा है, सुधीर चौधरी स्पेशली सुधीर चौधरी के ऊपर जो GTV के चीफ रिपोर्टर है उनके ऊपर केस रजिस्टर किया जा रहा है केरला के अंदर, उसके बारे में डिस्कशन हुई है। हम सब ने ये फैसला किया, कल से हम एजिटेशन शुरू करेंगे, इंडियन हाई कमीशन को जाकर के नोटिस देंगे, उसके बाद हम स्कॉटलैंड आयरलैंड के अंदर भी और वेल्स के अंदर भी जो हाई कमीशन के ऑफिस है उनको जाकर के हम सब नोटिस देंगे कि हम यूके के अंदर भी ऐसे इश्यू कर रहे हैं, नहीं तो वो इमीडिएटली इंडिया के अंदर जो FIR की गई है श्री चौधरी जी के खिलाफ उसको वापस लिया जाए और कंफर्म किया जाए आगे के लिए डेमोक्रेसी के ऊपर कोई अटैक ना हो। इसी के ऊपर तो इंडिया नंबर वन है डेमोक्रेसी के अंदर, आज उसको खत्म करने के लिए ये बाहरी ताकतें जो है ये कोशिश कर रही है कि मोदी जी के नाम के ऊपर एक दबा लगे, जिसको स्टॉप करने के लिए हम सब NRI खड़े हुए हैं। हम इसको एजिटेशन को आगे बढ़ाएंगे, अदरवाइज इसको इमीडिएटली स्टॉप किया जाए। भारत में हमेशा से सवाल उठता है कि अभिव्यक्ति की आजादी बड़ी है या धारा 295 है। हम आपको बता दें कि संविधान की धारा 19 देश के नागरिकों को अभिव्यक्ति की आजादी का अधिकार देती है। धारा 19 ये कहती है कि भारत का हर नागरिक को अपने भाव और विचारों को व्यक्त करने का मूलभूत अधिकार है। आज सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये कैसे और कब तय हो गया कि जिहाद पर बात करने से किसी की धार्मिक भावनाएं आहत होती है। इस्लाम के मुताबिक जिहाद का अर्थ है पवित्र युद्ध, जिसकी एक व्याख्या यह है कि कोई भी इंसान जब अपने अंदर की बुराइयों के खिलाफ संघर्ष करता है तो इस्लाम में इसे ही सबसे बड़ा जिहाद कहा गया है। लेकिन ये परिभाषा सिर्फ इस्लाम की पवित्र किताबों में ही बंद होकर रह गई। इस्लाम के ठेकेदारों ने इसकी जो नई और गलत परिभाषा गढ़ी है वो आज आपको समझना चाहिए। प्रसिद्ध इतिहासकार सैयद अतहर अब्बास रिजवी की लिखी किताब खलजीकालीन भारत में लिखा गया है कि जिहाद का मतलब होता है इस्लाम के प्रसार के लिए युद्ध। इस किताब में यह भी लिखा गया है कि आमतौर पर सुल्तान अपनी सभी लड़ाइयों को जिहाद कहते थे। इसका मतलब ये हुआ कि मध्यकाल से ही जिहाद का सुविधा के मुताबिक इस्तेमाल होने लगा। आज दुनिया भर के आतंकवादी बेकसूर लोगों की हत्या कर देते हैं और इसे जिहाद कहते हैं। कट्टरता और हिंसा के रास्ते पर चलने वाले खुद को जिहादी कहते हैं और कहते हैं ऐसे जिहाद से जन्नत की 72 हूरें मिलेंगी। और आज जब पत्रकार जिहाद की बात करता है तो धार्मिक भावनाएं आहत हो जाती हैं इनकी। ब्यूरो रिपोर्ट ibn9.live।